हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज मेरे पास है 7 kg का टूल मास्टर गोल्ड हाई पावर जो डेमोलेशन हमारे है। दोस्तों ये मशीन 1800 वाट जो आपको यहाँ पे लिख जाएगा दिखा हुआ, तो ये बहुत हैवी मशीन है टूल मास्टर गोल्ड गोल्डन का, तो अच्छा क्वालिटी का। मैं उसको अनबॉक्सिंग करूँगा, दिखाऊँगा उसके अंदर क्या है, क्यों आप उसको खरीदोगे और इसमें क्या क्या काम भी कर सकते हो। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डावा का हालत देखिए, ट्रांसपोर्ट में आता है तो ऐसा तो होता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों मशीन को हम खोल लेंगे, उससे पहले हमको दिखाएंगे आपको ये इसका मॉडल नंबर MTG DH0811। तो ये 7 kg का मशीन ब्रेकर मशीन है, 3000 RPM का ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 1800 वाट वगैरह सब कुछ लिखा है, आप वहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले ये जो कवर होता है उसको हटा लेते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या चीज़ है, क्या दिया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए ब्लू कलर में बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये ख़रीदना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई भी स्पेयर पार्ट्स भी ख़रीदना है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे दो बीट दिया गया है और यहाँ पे उसका मेनू दिया गया है, कोई भी नहीं पढ़ते हैं हम उसके अंदर। देखिए ये 0810 का कैटलॉग दिया गया है, इसमें कोई भी चीज़ काम की नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पे 0810 ये 7 kg का या 5 kg का कैटलॉग इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे ये देखिए फ्लैट बीट जो पकड़ लो 12 इंच के आसपास होगा ये बीट, तो अच्छा क्वालिटी का है ये भी आप यूज कर सकते हो। बहुत हैवी क्वालिटी का दिया गया है, फिनिशिंग है। तो इसके साथ और एक भी बीट दिया गया है जो पॉइंट बीट है, और यहाँ पे भी ये अच्छा क्वालिटी का है, ये भी आप यूज कर सकते हो। मार्केट में इससे भी बड़ा बड़ा बीट आता है, इसको भी आप यहाँ इस मशीन में यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले उसका जरी निकालते हैं, उसके अंदर मशीन है। तो ये कवर हटा लेते हैं और यहाँ पे ये एक रेंच दिया है जिसको हम ये जो बैक ग्रीस कैप को हम खोल सकते हैं, ग्रीस वगैरह देते हैं। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ग्रीस लगता है इसमें, और ये देखिए ज़्यादा नहीं फिर भी लगता है। और यहाँ पे ये खुल गया, फिर हम उसको कवर बंद कर लेंगे, उसका कवर इसको आप थ्रेड में लगा के घुमा दीजिए, आसानी से ये लग जाएगा। अनथ्रेड लगाओगे तो ये ख़राब हो जाता है, अच्छे से टाइट करना है आपको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, जैसे कि ये ढीला हो जाता है। और दोस्तों 0810 में सामने वाला जो थ्रेड वाला रहता है वो ज़्यादा ढीला हो जाता है, चूड़ी खा जाता है, लेकिन इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसको कंटिन्यू यूज़ कर सकते हो, कोई भी ख़राब नहीं है। वो सामने वाला बिल्कुल ढीला नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एलएन की सिस्टम दिया गया है। तो सबसे पहले मशीन को चला लेते हैं, देखते हैं इसका RPM जो 3000 RPM है, जो 1800 वाट है, क्या काम का चीज़ है, वो सबसे पहले चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे ये हैंडल दिया गया है, कहीं पर भी आप रिमूव करके टच करके आपके हिसाब से उसको पकड़ सकते हो। और यहाँ पे स्विच प्रेस करके अनलॉक कीजिए, और अनलॉक करने के लिए आपको पास उसको स्विच को प्रेस कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे यह देख रहे हो, ये स्विच को प्रेस कर लोगे तो अनलॉक हो जाएगा, कोई भी ये कर सकता है। ये लॉक हो गया और ये फिर स्विच को प्रेस करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम उसका बीट लगाएंगे, बीट लगाने के लिए उसको लॉकिंग सेट को प्रेस करके इसको बीट को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये लग जाएगा, अंदर चला जाएगा। अभी ये सीरीज में दिया है, अभी मशीन को चला लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी नहीं हो रहा है, क्योंकि नया मशीन है, उसका जो स्ट्राइकर पिन ये जाम हो गया है, मतलब ये रह के ऐसे ही हो जाता है नया मशीन। तो आपको कहीं पर भी उसको प्रेस करना है, ये यहाँ पे अभी हमारी हो रहा है, नीचे कंक्रीट वगैरह में प्रेस कर लोगे, थोड़ा लगा लोगे, ये ऑटोमेटिक हमारी हो जाएगा। तो यह था एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाने के लिए। दोस्तों ये स्पेशली चिपिंग काम करने के लिए यूज किया जाता है, अगर कंक्रीट तोड़ना चाहते हो तो इसमें भी आराम से हो सकता है, छोटा मोटा कंक्रीट। तो थैंक यू, चैनल में नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।